आज हम बात करेंगे कि ट्विन प्रेगनेंसी में राउंड लिगामेंट पेन क्या होता है। आपका जो यूट्रस होता है उसको चारों तरफ से लिगामेंट्स घेरे रहते हैं, जिनमें से कुछ मोटे लिगामेंट्स होते हैं एंड जिनमें से कुछ गोल लिगामेंट्स होते हैं। और ये जो लिगामेंट्स होते हैं वो स्पेशली आपके यूट्रस को सहारा देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। और ये जो लिगामेंट्स होते हैं वो आपके यूट्रस के आगे या फिर सामने वाले हिस्से को ग्रोइन की हड्डियों से जोड़ते हैं। और ये जो ग्रोइन शब्द होता है वो आपके पेट और जांग के बीच वाले भाग को बोला जाता है। और आपका जो कमर वाला एरिया होता है यह वह जगह होती है जहां पर आपके पैर आपके पेल्विस से जुड़े होते हैं। ये जो लिगामेंट्स होते हैं वो सिकुड़ते हैं और आपकी मांसपेशियों को आराम देते हैं, लेकिन यह जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही धीरे धीरे होती है। जैसे जैसे ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान आपके बच्चे बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो गोल लिगामेंट्स होते हैं उन पर भी बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ता है, जिस वजह से ये लिगामेंट्स होते हैं बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो जाते हैं। और इसीलिए जब आप ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी हरकत करती हैं, यानी कि खांसती हैं, छींकती हैं या फिर हंसती हैं या फिर एकदम से बैठकर खड़ी होती हैं या फिर आप करवट लेते हैं, ऐसा करने पर आप अपने लिगामेंट्स को फैलाती हैं। फिर जब ये लिगामेंट्स सिकुड़ते हैं तो ऐसे में आपको बहुत तेजी से दर्द या फिर ऐंठन जैसी महसूस होती है। और इस दौरान जब आपके बेबी कोई भी मूवमेंट करते हैं तो ऐसे में भी आपको बहुत तेजी से पेन महसूस हो सकता है, लेकिन ये जो लिगामेंट्स वाला पेन होता है वो आपको कुछ सेकंड तक ही रहता है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें एंड इसके बाद में अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है। ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान राउंड लिगामेंट्स पेन होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि आपका जो गर्भाशय होता है वो आपके पेट से दो गुना तक बढ़ता है। और ये जो राउंड लिगामेंट्स का पेन होता है इससे आपके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये माँ के लिए गंभीर परेशानी पैदा कर सकता है। ट्विन प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से राउंड लिगामेंट्स पेन होना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन कुछ महिलाओं में ये जो पेन होता है वो दूसरी तिमाही से पहले भी हो सकता है, खासकर ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान। और राउंड लिगामेंट्स पेन के जो लक्षण होते हैं, नाभि के पास वाले एरिया में तेज दर्द होना या फिर कमर वाले एरिया में तेज दर्द होना शामिल होता है। और ये जो दर्द होता है वो आपके पेट से लेकर के कूल्हे तक फैलता है। और दूसरा लक्षण है लिगामेंट्स क्रैम्पिंग या फिर ऐंठन, जो कि आम तौर पर आपके शरीर के राइट साइड पर होती है, लेकिन ये कभी कभी आपके दोनों साइड पर भी हो सकती है। और रात में बीच में तेज दर्द महसूस करना ये भी एक राउंड लिगामेंट्स का ही लक्षण होता है, खासकर जब आप रात में करवट लेती हैं या फिर आप कोई एक्सरसाइज करती हैं। और अगर आपका यूरिन ब्लैडर भर जाता है तो ऐसे में और ज्यादा तेज दर्द बढ़ जाता है। राउंड लिगामेंट्स दर्द के लिए ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल दर्द होता है स्पेशली ट्विन प्रेगनेंसी में। और अब हम बात करते हैं कि राउंड लिगामेंट्स पेन का इलाज क्या होता है। अगर आप गुनगुने पानी से नहाती हैं तो इसमें आपको काफी ज्यादा रिलैक्स मिलेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करना है, और आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि आप बहुत ज्यादा थक जाएं एंड आपको अपनी डेली की एक्टिविटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि आपको बहुत धीरे से उठना है एंड बहुत ही आराम से बैठना है। और आप जब भी लेटने जाएं कोशिश करें हमेशा लेफ्ट साइड पर ही लेटें, इससे आपको दर्द में काफी ज्यादा आराम मिलेगा और आपको एक ही पोजीशन में ज्यादा देर तक कोई भी काम नहीं करना है एंड ना ही एक ही पोजीशन में ज्यादा देर तक बैठे रहना है या फिर खड़े रहना है। और जब भी आप लेटें तो आपको अपने पेट को किसी भी तकिया या फिर कुशन से सहारा जरूर देना है, और आपको बहुत सारा पानी पीना है एंड अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखना है। और आप हल्की पुल्की एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और आपको बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलेगा। लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा वॉक करने की, और ये एक बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके लिए। और इसके साथ ही आप डेली मालिश जरूर कराएं अपने पेट पर एंड अपने हाथों और पैरों पर,
इससे भी आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और आपको ट्वीन प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी काम बहुत ही जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।